नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हर महीने की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं उनसे संबंधित आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं और उन पर विस्तार से बात भी करते हैं। और आपने देखा होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने फरवरी महीने की जो भी घटनाएँ थी उनसे संबंधित आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पर विस्तार से बात की हुई थी। और आप सभी लोग, मुझे लगता है कि पुराने क्वेश्चंस पेपर अगर आप लोगों ने अपनी परीक्षाओं के देखे होंगे तो आप सभी को मालूम भी होगा कि करंट अफेयर्स आपकी परीक्षाओं में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर चाहे यूपीएससी ले लीजिए या फिर स्टेट पीसीएस, जिसमें बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, माफ करिए आपका मध्य प्रदेश पीसीएस, वनडे एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह के तमाम एग्जाम होते हैं और स्टेट एग्जाम भी तो होते हैं, पुलिस, दरोगा, शिक्षक भर्ती, इन सब में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग देख सकते हैं, एक आपकी प्लेलिस्ट सूची सेपरेट बना दी गई है मंथली करंट अफेयर्स के नाम से। इसमें आपकी 2021 के जो भी महीने की करंट अफेयर्स हैं, जो भी क्लासें हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी और जनवरी और फरवरी की, फरवरी 2022 की भी क्लासें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आज की इस क्लास में हम लोग मार्च 2022 का जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सेबी आप लोगों ने सुना होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें प्रीति सिंह रावत, अनीता रामपाल, माधवीपुरी बुच, वर्षा एम कुमारी, कौन है इसमें? तो याद रखिए इसमें माधवी पूरी वुच है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? किस सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है, बताइए आप लोग। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो आपको बता दूं, दिल्ली ने की है। और अगर दिल्ली के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ हरियाणा के बारे में भी बता देते हैं क्योंकि आप लोगों ने हरियाणा के भी उल्लेख हुआ है और राज्यों से कई बार क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ भी लेता है। तो हरियाणा अभी वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 10 सीटें हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अभी 2022 में चुनाव हुए थे और यहाँ आप देखेंगे नई सरकार आ चुकी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बनाए गए और आप देखेंगे कौन, आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीती है। 117 सीटें आपकी विधानसभा में हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आप सभी जानते हैं भोपाल राजधानी है और यहाँ 230 आपकी विधानसभा में सीटें हैं और विधान परिषद में आप देखें विधानसभा में 230 हो गई, विधान राज्यसभा में आप देखें 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 सीटें हैं, विधान परिषद नहीं है यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? निशा गोखले, निधि शर्मा और रेणु जाखड़ या पूजा जैत जातियान, कौन है इसमें? तो याद रखिए इसमें पूजा जातियान होंगी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन वॉल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं? प्रोफेसर रमन सिंह, प्रोफेसर अशोक मेहरा, प्रोफेसर प्रशांत कमल, प्रोफेसर दीपक धर। तो याद रखिए दीपक धर बने हैं, प्रोफेसर दीपक धर बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 28 फरवरी या फिर आपका 26 फरवरी तो आपको मालूम होगा कि ये आपका 1 फरवरी को, कब? 1 मार्च को दुनिया भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है
और इस दिवस को 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति में रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और उसे रोकथाम पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस साल की थीम की बात करें तो नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार, इस बार की थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, महाराष्ट्र सरकार ने किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है, बताइए इसके बारे में। आपके सामने क्या क्या ऑप्शन दिए गए? आपके सामने पहला ऑप्शन है अमित श्रीवास्तव, आशीष चक्रवर्ती, संजय पांडे, विमल चौधरी। तो इसमें आप देखेंगे संजय पांडे होंगे। कौन होंगे? संजय पांडे, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, मुंबई यहाँ की राजधानी है और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ उद्धव ठाकरे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48 सीटें हैं। कितनी? 48 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रति वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड लाइफ डे किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च को, 3 मार्च को, 5 मार्च को या 2 मार्च को? किसकी बात हो रही है? विश्व वन्य जीव दिवस की बात हो रही है। तो आप सभी जानते होंगे कि 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस, और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इस दिवस को अगर बात करें, दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। और इससे पहले जानवरों और पेड़ पौधों की खराब दुर्दशा को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च के दिन को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और इसके बाद आप देखेंगे 3 मार्च 2014 को पहला विश्व आपका वन्य जीव दिवस मनाया गया था, पहला 2014 में। तो ये भी याद रखिएगा, याद रखना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या कर लेता है, कई बार आपका क्वेश्चंस आ जाता है। और इसमें अगर आप देखें, देखिए अगर थीम की भी कई बार पूछ लेता है, थीम के बारे में भी याद रखा करिएगा। कई डे होते हैं जिनसे पूछ लेता है कि इस बार की थीम क्या थी। तो आप देखेंगे 2022 की पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की वसूली, इस बार की थीम रखी गई है। और 2021 की थीम की बात करें तो जंगल और आजीविका, मानव दुनिया को बनाए रखना है, उस बार की थीम थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति यशराज फिल्म के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसमें आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या है, नमिता घोषाल, प्रियंका चौधरी, लोकेश वैष्णव, अक्षय वेधानी। तो याद रखिए अक्षय वेधानी होंगे, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, तिथि वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 4 मार्च को, 5 मार्च को, 3 मार्च को या 6 मार्च को? तो आप याद रखिए 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे के रूप में आप लोग 4 मार्च को मनाते हैं। और आपको बता दूं कि 4 मार्च को दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसे मनाते हैं। और 4 मार्च 1972 को पहली बार मनाया गया था, और इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, नेशनल सेफ्टी डे की बात होती है, इनसे क्या रहता है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्स का 74 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई, इनकी कहाँ के थे? कहाँ के थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, बताइए। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये थे ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, क्रिकेट से जुड़े हुए थे, ये भी याद रखा करिएगा। और आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, आप सभी को मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है?
गुजरात, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुझे लगता है कि कॉमन सेंस भी होगा आपके अंदर, तो आप लोग इसे आराम से राजस्थान लगा देंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अभी आप देखेंगे कि राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, पता है आपको? पहले आपका मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया था मध्य प्रदेश से, तो अब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और आपका राजस्थान पहले नंबर पे है। और आप देखेंगे इसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ विधानसभा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैन वार्न का 52 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई? क्रिकेट से जुड़े थे, टेनिस से, बैडमिंटन से या गोल्फ से? तो याद रखिए क्रिकेट से जुड़े हुए थे। क्रिकेट दुनिया भर में देखने वाला खेल होता है और हमारे देश में तो आप देखिए सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं इसे। कौन व्यक्ति एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए? एयरलाइन कंपनी के जेट एयरवेज के रूप में नियुक्त किए गए हैं, बताइए। इंडियन एयरलाइंस भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की एक विमान कंपनी है, आप सभी जानते होंगे इसे, उसी की बात हो रही है। रमेश नागर, सुभाष देवगन, हर्षित सोनी, संजीव कपूर, कौन है? तो याद रखिए ये हैं संजीव कपूर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कौन व्यक्ति LIC के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए गए? LIC की बात हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस आप लोग देखते हैं ना, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, उसी की बात कर रहे हैं। तो अखिलेश जैन, सुनील अग्रवाल, वरुण चोपड़ा, तरुण सेन, तो याद रखिए सुनील अग्रवाल होंगे इसमें, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, बताइए। तो आप सभी जानते हैं क्या मनाते हैं, 8 मार्च को दुनिया भर में मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। और यह दिवस प्रतिवर्ष 8 वर्ष को 1975 से मनाया जा रहा है। इस साल की थीम की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी टूडे फॉर ए सस्टेनेबल टूमारो, यानी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता इस बार की थीम रखी गई है। लैंगिक समानता का अर्थ समाज में महिला तथा पुरुषों के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक करना है। और वैसे भी आप देखिए आज के समय में तो महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं, कहीं कोई असमानता नहीं है। अगर आप देखें कि असमानता कोई समाज की हुई है तो वो पिछड़ रहा है, पीछे जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसे दूर संचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस NV रमना, जस्टिस SS SA बोबड़े, जस्टिस DN पटेल। तो याद रखिए जस्टिस DN पटेल, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 6 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च? 10 मार्च को, कब? ये आप देखेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात हो रही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, और 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कौन सबसे ज्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी है? हैदर नाइट इंग्लैंड, स्मृति मंधाना, सारा टेलर, मैताली राज? तो ये याद रखिए मैताली राज भारत की हैं और आप देखें अच्छी क्रिकेटर हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन, राहुल देवड़, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, बताइए।
विद्या बालन को। किसे? विद्या बालन को। सन 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। ठीक है, कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है बताइए? 29, 34, 21, 47। ये आप देखिए कि कितनी है टोटल, आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 29 है, 29। ठीक है, और आप देखेंगे अगर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 29 महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया है, और यहाँ राष्ट्रपति ने 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार प्रदान किए हैं। 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल हैं। इससे पहले कोरोना महामारी के चलते 2020 का पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं हुआ था, इसलिए दोनों आप देखेंगे एक तरह से इसे दिया गया। 1999 में पहली बार ये दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में डेथ हुई? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये आप देखेंगे पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, और आप सभी जानते हैं कि 1947 तक हमारा हिस्सा था, लेकिन 1947 में बंटवारा हो गया था, और आप देखेंगे क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। और पाकिस्तान के बारे में पड़ोसी आप देखेंगे क्या देखना है, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है, और क्या बोलना है इसके बारे में? प्रतिवर्ष धूमपान निषेध दिवस नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? मार्च महीने के दूसरे सोमवार को, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, मार्च महीने के दूसरे शुक्रवार को, मार्च महीने के दूसरे रविवार को। तो याद रखिए आपका मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। कब? मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। इस बार 9 मार्च 2022 को पूरी दुनिया में धूमपान निषेध दिवस मनाया गया है, और यह दिवस मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस दिवस को पहली बार 1984 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर के लोगों को धूमपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर तंबाकू सेवन के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा, धूमपान दिवस। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस पर सिगरेट पर किसी पर भी देख लीजिए, आपको मालूम होगा कि उस पर चेतावनी लिखी रहती है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं, फिर भी पीते हैं, तो क्या करिएगा? चेतावनी होने के बाद भी, आप समझ रहे हैं, यही हाल है। और आप देखेंगे थीम के साथ एक विषय भी होता है, और कुछ सफल विषय ब्रेक फ्री और टाइम टू किट रहे हैं, और इस साल यानी कि 2022 का विषय थी, विषय या थीम धूमपान छोड़ने के लिए तनाव नहीं लेना चाहिए, इस बार की थीम रखी गई है। किस राज्य की सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? ये आप देखेंगे झारखंड है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है। ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ली गई है। क्या? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ आप सभी जानते हैं कि पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। सन 2000 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और इस अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने योजना के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली भी शुरू की है, जहां लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर csstate.government.in पर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर आप देखेंगे प्रतिवर्ष विश्व गुर्दा दिवस किडनी डे कब मनाया जाता है बताइए? 10 मार्च, 9 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च। तो
तो ये आप देखिए 10 मार्च को मनाया जाता है और दुनिया भर में मनाते हैं। और दिवस मार्च मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। और इस बार ये 10 को पड़ा है, और इस बार से ये 10 को पड़ा है, और इस बार की थीम किडनी हेल्थ और आल, यानी सभी के लिए गुर्दों का स्वास्थ्य होना जरूरी है, थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं? ए के रणवीर, एम प्रजापति, टी रघुनाथन, वी चंद्रशेखर, इसमें से कौन है? तो याद रखिए बी चंद्रशेखर होंगे इसमें। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहे। और भारतीय वायुसेना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कब? 1969 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य में सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति मूर्ति यानी कि 100 फीट बन रही है? असम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नागालैंड में, कहाँ बन रही है? तो ये आप देखेंगे कि इनके बारे में आप लोगों को याद भी रहना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार क्या रहता है कि पूछ लेता है आपसे, क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो ये बन रही है बिहार में, कहाँ? बिहार में। और बिहार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि इसकी राजधानी क्या है, पटना है इसकी राजधानी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार हैं। और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, बिहार से लगे हुए अगर राज्य को देखना, राज्यों को आप लोग देखना चाहें तो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, झारखंड से इसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ आपको विधानसभा में 243 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में आपकी 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, योन सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बताइए। ए आपसे ए ऑप्शन क्या कह रहा है? वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, और आपका है आइसलैंड। तो याद रखिए दक्षिण कोरिया के बने हैं। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के बने हैं। और दक्षिण कोरिया के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पूर्वी एशिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसकी राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल है। और आप देखते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच भी टकराव कई बार होता रहता है, खबरें आती रहती हैं, तो इसमें आप लोग दक्षिण कोरिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दक्षिण कोरिया लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, जिसे आप लोग शॉर्ट में NFRA कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसमें अजय भूषण पांडे, नवीन सिंह जिंदल, राजकुमार जेहरा, बाबू लाल देवगौड़ा। तो याद रखिए इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा अजय भूषण पांडे, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगर हम लोग राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की बात करें तो 1 अक्टूबर 2018 में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि इस तरह के जो संगठन होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसमें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो याद रखिए हरियाणा सरकार ने, किसने? हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ अभी। और यहाँ विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपकी देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हंगरी एक देश है, पता है आपको या नहीं है? कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? और इसमें आप देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा एलिजा प्रेफेक्स, कातालिन नोवाक, मेलानिया ट्रूडो और कैपलिना गुतारेस। तो इसमें आप देखेंगे
आपको कातालीन नोवाक इसमें देखने को मिलेगी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हंगरी आप लोगों को मध्य यूरोप में देखने को मिलेगा, यूरोप में, और बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। क्या है? बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला है? ए जबलपुर, या फिर आप देखेंगे भोपाल, हैदराबाद, बेंगलोर। तो याद रखिए हैदराबाद में खुला है। कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। और हैदराबाद आपको मालूम होगा तेलंगाना की राजधानी है। क्या है? तेलंगाना की राजधानी भी है। और तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की महिला संगठन FLO द्वारा क्या किया गया है कि हैदराबाद में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है। और इस पार्क में आप देखेंगे 25 महिला यूनिट्स हैं जो 16 विविध ग्रीन श्रेणी के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें महिलाओं का स्वामित्व है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? बताइए इसमें। और आप देखेंगे कि अभिमन्यु राणा, मुकेश रुंदाला, गणेश राठौर, देवाशीष पांडा। तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। देवाशीष पांडा इसके अध्यक्ष बने हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कॉलगेट पॉल्मो लिब इंडिया ने किसे अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? प्रभा नरसिम्हन, वर्षा खोखर, गीता पंडाल, अस्मिता झा। तो याद रखिए इसमें प्रभा नरसिम्हा होंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़। तो याद रखिए अहमदाबाद में खोला है। कहाँ? अहमदाबाद में, गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाली वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं? रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत, KL राहुल। तो याद रखिए ऋषभ पंत बने हैं। क्या बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 15 मार्च, 13 मार्च और 11 मार्च। बताइए इसमें कब मनाते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 14 मार्च को मनाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें आपका। 14 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। और इस दिवस को प्रतिवर्ष 14 मार्च को गणित का महत्व और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यकता की भूमिका के बारे में बताने के लिए मनाते हैं। इस वर्ष की थीम रखी गई मैथमेटिक्स यूनिट्स, यानी गणित एकता। ये भी इसकी थीम भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष यानी कि हर साल आपका उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 11 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च और 17 मार्च। तो इसमें याद रखिए 15 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 मार्च। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को प्रतिवर्ष 5 मार्च को कालाबाजारी, नापतौल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, जमाखोरी, मिलावट वगैरह, इस तरह की मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी अथवा वारंटी के बाद भी सेवा प्रदान नहीं करना जैसी समस्याओं से ग्राहकों को उनके अधिकार के लिए जागरूकता करने के लिए एक तरह से इसे मनाते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन। किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसमें आप देख रहे हैं हसन अली पाकिस्तान के हैं, मोइन अली ये आपके इंग्लैंड, श्रेयस अय्यर भारत, शोएब मलिक ये पाकिस्तान के। तो याद रखिए श्रेयस अय्यर ये भारत के हैं, इन्हें मिला है। तो इसमें आप लोगों का क्या रहेगा?
इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मतलब तो यही होता है ना, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये भी याद रखिएगा। और दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति ऑल इंडिया लिमिटेड वाइल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? अशोक शर्मा, रंजीत रथ और आपके विशाल गौतम, मुकेश चौधरी। तो याद रखिए इसमें आपके रंजीत रथ हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर ऑल इंडिया लिमिटेड की बात करें, जिसे आप लोग शॉर्ट में ओ क्या कहते हैं, ओ आई एल भी कहते हैं, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में देखने को मिल जाएगा। भगवान मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं बताइए, और आप यहाँ देखेंगे कि ये राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात और आपको बता दूँ, भारी बहुमत मिला है आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को, और ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, तो आप सभी जानते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। 117 सीटें यहाँ विधानसभा में हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, और आप देखेंगे संवेदनशील राज्य है पंजाब, क्योंकि आप देखेंगे इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान का पड़ोसी है एक तरह से। और राज्यों में बात करें तो आप देखेंगे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों से सीमा लगती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? 11 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च या 19 मार्च, कब मनाते हैं? तो आप देखेंगे कि आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। कब? 16 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका इसमें। 16 मार्च को पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, और इस दिवस को प्रतिवर्ष 16 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1995 में मोहे के माध्यम से पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, और इस बार इस दिवस की थीम वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, यानी टीके सभी के लिए काम करते हैं और दुनिया भर के लोगों की जान बचाते हैं, इस बार की थीम रखी गई है, विषय रखा गया है। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? द पावर ऑफ डॉग, नो टाइम फॉर डाई, द क्विट प्लेस, और एक है आपका द फादर। द फादर इसमें बताइए किसे मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है, यानी कि इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? निर्मर्श केसल, जैकी पीटरसन, करोलिना विलावास्का, पेरी मैथ्यूज। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन है, इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, करोलिना विलावास्का ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, 21 मार्च, 20 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, तो याद रखिए 20 मार्च को मनाया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के जीवन में खुशियों का महत्व बढ़ाने के उद्देश्य से मनाते हैं, और इस वर्ष की थीम रखी गई शांत और समझदार बने और दूसरों के प्रति दया की भावना रखें, ठीक है, इस बार की थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को, मार्च महीने के तीसरे रविवार को, और फिर तीसरा सी ऑप्शन है इसमें, मार्च महीने के तीसरे शनिवार को, मार्च महीने के तीसरे मंगलवार को, कब मनाते हैं? तो आप देखें कि मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाते हैं, मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। और आप देखेंगे कि इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल ये 18 मार्च को इस बार पड़ा था, और इस बार इसे 18 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नींद और इसकी महत्व के बारे में लोगों में जागरूक
जागरूकता पैदा करना है। इस दिवस को पहली बार 2008 में मनाया गया था। और याद रखिए, एक तरह से नींद पूरी होनी चाहिए। आप समझते हैं नींद के बिना कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं हो, तो उसी तरह आप देखिए कि पूरी नींद लिए बिना पढ़ाई भी नहीं होती। जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्या कह रहा है? जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 133, 134, 136, 138 बताइए। 136वां मिला है। आप सोच रहे हैं कि हम लोग कितने दुखी आदमी हैं, कितने दुखी आदमी हैं। 136वां मिला है और भारत को 136वां मिला है। और पिछले वर्ष की तुलना में भारत 3 अंक का सुधार हुआ है। और इस रिपोर्ट में पिछली बार 137वें स्थान पर थे हम लोग। सूची में सबसे ऊपर नाम आता है फिनलैंड का, जो लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। और हम लोग दुखी हैं लगभग। आप देखेंगे जिसकी शक्ल देखिए, आप लोग रोता हुआ दिखाई देता है। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 29 मार्च और 22 मार्च को, बताइए इनमें से। आपको मालूम हुआ करे तो आप लोग नीचे लिखा करिएगा। 21 मार्च को, कब? 21 मार्च को आपका विश्व कविता दिवस मनाई जाती है। और आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इसे पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। और इसे दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कविताओं का प्रचार प्रसार हो। और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 में प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद सन 2000 में पहली बार ये मनाया गया। किसने इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 में चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विक्टर एक्सेलसन और लक्ष्य सेन, वागस मौलाना, ताई तजू इंग, बताइए इनमें से। तो याद रखिए, विक्टर एक्सेलसन इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है? केरला एफसी, हैदराबाद एफसी, बेंगलोर एफसी, उड़ीसा एफसी। तो याद रखिए, हैदराबाद एफसी ने, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? जापान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल। तो याद रखिए, मालदीव ने दिया है। किसने? मालदीव ने दिया है। और आप देखते हैं कि हमारे अच्छे संबंध हैं मालदीव से। ये आप देखेंगे कि अगर इसकी राजधानी की बात करें तो मालेश की राजधानी है। और आपका पड़ोसी ही है। क्या है? पड़ोसी ही है। और हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है ये। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। अभी आपने देखा है कि पंजाब के साथ यहाँ भी चुनाव हुए थे, तो मणिपुर के बनाए गए हैं। कहाँ के? मणिपुर के। और आप देखें, पूर्वी भारत में आपको देखने को मिलेगा मणिपुर। और इसकी अगर राजधानी की हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी आपको क्या देखने को मिलेगी? इम्फाल। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 25 मार्च। और आप देखिए कि हमारे कई राज्यों में पानी का संकट देखा जाता है, तो 22 मार्च को आप लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। एक तरह से दुनिया भर में लोगों को जागरूक किया जाए जल के प्रति, कि उनका संरक्षण करें, जल का रख रखाव करें, ठीक है। और इस बार की थीम रखी गई है भूजल आदर्श को दृश्यमान बनाना, इस बार की थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 22 मार्च को भारत के किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? बताइए, झारखंड, गोवा, बिहार या फिर आप देखिए उड़ीसा। तो आप सभी को मालूम होगा कि बिहार का मनाया जाता है। किसका? बिहार का मनाया जाता है। और बिहार के बारे में वैसे बात तो कर चुके हैं, नीतीश कुमार यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री साहब हैं नीतीश कुमार। एक और बात माननी पड़ेगी, देखिए खिलाड़ी हैं राजनीति, इनकी पार्टी को तीसरे नंबर पर रही थी चुनाव में, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री यही बने। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं,
यहाँ बता चुका हूँ कि आपकी विधानसभा सीटें 243 हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 40 सीटें देखने को मिलेंगी आपकी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च को बताइए। तो आप देखेंगे कि इसे कब मनाते हैं, 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और आप देखेंगे इसे हर साल 23 मार्च को मनाते हैं, और इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि जो बदलाव हो रहा है इसकी जानकारी देकर लोग जागरूक हो सकें जो मौसम में। और इस बार की थीम रखी गई प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही, इस बार की थीम रखी गई इसकी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किन दो तारीखों को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? बताइए इसमें आप लोग। 23 मार्च 30 जनवरी, 20 अप्रैल 30 मई, 13 अगस्त, 23 फरवरी, 23 मार्च, 28 जून। तो याद रखिए 23 मार्च 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आप सभी को मालूम होगा कि 23 मार्च को भारत की तीन बहादुर क्रांतिकारियों जिसमें भगत सिंह, शिविर राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी दी गई थी। और इसी दिन 1931 में इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर में फांसी दी गई थी। और इन तीनों क्रांतिकारियों ने देश के लिए हंसते हंसते प्राणों का बलिदान दिया था। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जारी ईयर IQ ईयर की वर्ल्ड ईयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है? बताइए इसमें। इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ढाका, दूसरा कह रहा है काठमांडू, दिल्ली, बगदाद। बताइए इसमें कौन क्या होगा? तो याद रखिए इसमें आपका दिल्ली होगा, दिल्ली होगा। और आप देखेंगे कि 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में सूची में दिल्ली का वो सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। और भारत की राजधानी दिल्ली 85.5% को एक तरह से स्कोर के साथ सबसे प्रदूषित शहर में रखा गया है। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका और तीसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप के चार देश की राजधानी अंजमेना को रखा गया है। और ध्यान रहे 2021 की वैश्विक एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 117 देशों के 6,475 शहरों का डेटा शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एसली वार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि हाल ही में अभी देखिए एसली वार्टी ने संन्यास लिया है, इनका संबंध किस खेल से था? तो टेनिस से। और कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधान सभा बनी है? उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, बिहार। तो याद रखिए नागालैंड बनी है। क्या बनी है? नागालैंड बनी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और आप सभी जानते हैं उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड आपका, और इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी राजधानी कोहिमा है। और आप देखेंगे 1 दिसंबर 1963 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है यहाँ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ए मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो आप सभी को मालूम होगा उत्तराखंड के बने हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। और आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके ही बनाया गया था राज्य। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 9 नवंबर 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं यहाँ। ठीक है, और प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल विश्व क्षय दिवस, क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 21 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च और 28 मार्च को। तो आपको बता दूं कि 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि टीबी रोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। और इस वर्ष इस दिवस की थीम इस साल रखी गई इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। और जर्मन
फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने 24 मार्च 1882 को टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। और इसलिए आप देखते हैं कि 24 मार्च को क्या मनाते हैं आप लोग, विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन खिलाड़ी पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं? तो या इसमें मनीष नरवाल, कृष्ण नागर, देवेंद्र झाझड़िया और मनोज सरकार। तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन होगा, देवेंद्र झाझड़िया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, डैनियल पार्नेल सुलीवन को 2022 का एवेल प्राइज मिला जो किस क्षेत्र में दिया गया है? चिकित्सा, शांति, भौतिकी, गणित। तो याद रखिए गणित में दिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, कहाँ पहुंच गए हैं? कौन व्यक्ति मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO बने हैं? मारुति सुजुकी गाड़ियाँ भी तो आती हैं, आप लोग देखते हो भी होंगे। एक कंपनी है, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1981 में हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग। ओसाका रोमाया हेसासी ताकेयुची निजालो टिटाया जू इन मिकाती। तो याद रखिए हेसासी ताकेयुची हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहौटी का 21 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व राज्यपाल थे, पूर्व क्रिकेटर थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो याद रखिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरी बार बता चुका हूँ। और उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश की अगर बारे में बात करें तो यहाँ विधानसभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आपको बता दूँ कि 24 जनवरी 1952 में इसे राज्य बनाया गया था। और वैसे भी आपको मालूम होगा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं आप लोग, लखनऊ इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 11 जुलाई, 5 अक्टूबर, 25 अगस्त, 29 दिसंबर। कब बताइए, कुछ तो आप लोग बता दिया करिएगा। पांच अक्टूबर को। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी 67वीं बैठक में निर्णय लिया कि अब पूरे भारत में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसके पहले गंगा नदी की डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय प्रजाति घोषित किया गया था। पीएम मोदी ने अगस्त 2020 में मीठे पानी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की हुई थी। तो 5 अक्टूबर याद रखिएगा, बी ऑप्शन। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा, साइना नेहवाल। तो याद रखिए पीवी सिंधु हमारे देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर, सिक्किम, गोवा और उड़ीसा। तो आप सभी जानते हैं कि कहाँ अभी हाल में चुनाव हुआ था, गोवा में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 मई 1987 को इसे राज्य बनाया गया था, आपको मालूम ही होगा छोटा सा राज्य है। और गोवा घूमने की सबकी चाहत भी रहती है। यहाँ विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में आपकी 2 सीटें हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? कश्मीर फाइल, वेस्ट साइड स्टोरी, ड्राइव माई कार, द सुसाइड स्क्वाड। दो याद रखिए, ड्राइव माई कार सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। किस देश की, अगला क्वेश्चन है, किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडिलीन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है? सिंगापुर, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। तो याद रखिए अमेरिका। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। तो याद रखिए गुजरात में बनाई गई है, और गुजरात आप देखते हैं कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री साहब हैं मोदी साहब, होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब, ये गुजरात से ही आते हैं। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। गांधीनगर इसकी राजधानी है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका कोरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ बने हैं? यश प्रजापत, राजा सुब्रमण्यम, और आप देखेंगे ऋतिक वर्मा, नीतेश गुप्ता, कौन बने हैं बताइए? तो राज सुब्रमण्यम, यानी कि इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति पुनीत गोयनका की जगह बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? वेणुगोपाल शर्मा, अरविंद दिनकर, शशि सिन्हा, रघु चावला, बताइए? तो इसमें शशि सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं? शशि सिन्हा। और वोडकास्ट और डीएंस रिसर्च काउंसिल, और इसकी स्थापना आप देखेंगे सन 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट होंगवो, मत्तिसी मसीसी, पॉल विया, इदरिस डेवी। तो याद रखिए ये हैं गिलबर्ट होंगवो, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बात करें, जिसे आप लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। कब? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा, कई क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इनसे भी पूछ लेता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च, 30 मार्च, 28 मार्च, 25 मार्च, बताइए राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? तो 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 मार्च को ये मनाया जाता है। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और राजस्थान के बारे में बात करें तो 30 मार्च 1949 में इसे बनाया गया था राज्य, और आप देखेंगे इसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि याद हो जाएंगे आपको अगर इसी तरह से पढ़ते रहोगे तो। इकतीस मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वह थी भारत की पहली महिला डॉक्टर, भारत की पहली महिला इंजीनियर, भारत की पहली महिला शिक्षक, भारत की पहली महिला राज्यपाल। कौन थी? आनंदी गोपाल जोशी। तो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप देखेंगे इनका जन्म 31 मार्च 1865 में पुणे जिले के कल्याण में जमींदारों के एक रूढ़िवादी मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और याद रखिए 18वीं शताब्दी में जब महिलाएं घर से ही भी नहीं निकलती थी, तब आनंदी गोपाल जोशी ने केवल विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई नहीं की, बल्कि वह भारत की पहली महिला डॉक्टर भी बनी। और इनकी डेथ आप देखेंगे 26 फरवरी 1987 में पुणे में हो गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है? मीरा कोनेरू हम्पी, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, शेफाली वर्मा। तो याद रखिए मीराबाई चानू ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी याद रखिएगा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई? सिक्किम, मणिपुर, असम, उत्तराखंड, कहाँ के थे? तो याद रखिए सिक्किम के थे। कहाँ के थे? सिक्किम के थे। और आप देखेंगे कि सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी गंगटोक है, और यहाँ विधानसभा में 32 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में यहाँ
आपको कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? एक सीट लोकसभा में है यहाँ, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? एंडी टॉर, जसमीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ड्वेन ब्रावो। तो याद रखिए आईपीएल चलता रहता है, तो ये है ड्वेन ब्रावो, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। तो ये थी आपकी मार्च महीने में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित आपकी जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। चलिए अगले महीने में अप्रैल महीने में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए कौन से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे, ठीक है।